मस्त है। देखो दोस्तों कलर भी मस्त है, लेडीज पसंद आया आपको ही चाहिए ना। ये देखो पसंद आया बोलते हैं इसको। आज तो इसी फोन से फोटो खींचेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। यहाँ फ्रूटी वगैरह और साथ में नाश्ता दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ फ्रूटी और नाश्ता दे रहे हैं सभी को। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नाश्ते के अंदर में क्या दे रहे हैं, इसमें क्या है। बचेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब और इंतज़ार नहीं होगा हमसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है दोस्तों सैटरडे और अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। मैं नहा धो करके फ्रेश हो चुका हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर मैं जाऊँगा शॉप पे। अभी तो बारिश रुकी हुई है, सुबह से तो बहुत बारिश हो रही थी लेकिन अभी रुकी हुई है। और आज हमारा मार्केट भी 12 बजे क्लोज हो जाएगा, ऑर्डर आया है, क्योंकि आज दिल्ली से नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा जी आ रहे हैं नामसाई में। इसलिए सभी शॉपकीपर्स को और विलेज के लोगों को, गाँव के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है। गाँव के लोगों के लिए तो गाड़ियाँ भी भेजी जा रही है फ्री में उन्हें लाने के लिए। और मैं भी ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा। पहले जा करके मनोज को फ़ोन देना है। थंबनेल देख करके तो आप लोग पहचान ही गए होंगे। मनोज का कॉल आया था मेरे पास में, मनोज के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं त्रिपुरा से, उनको एक फ़ोन लेना है वन प्लस का। तो मैं पहले जा करके मनोज को फ़ोन दूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा ग्राउंड पे। अगर बारिश रुकी रही तो ही मैं ग्राउंड पे जाऊंगा, अगर बारिश आ गई तो नहीं जाऊंगा दोस्तों। और वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है आज का, तो आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखना एंड तक। पहले मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, फिर सीधा मिलता हूँ आप लोगों से शॉप पे। पराठा है, आम का अचार है घर पे बनाया हुआ, ये रेड चटनी है गार्लिक की, और साथ में है खट्टा दही जिसमें मैंने नमक और लाल मिर्च डाल रखी है। मीठा दही तो मैं खाता नहीं हूँ, खट्टा दही मुझे अच्छा लगता है। ये है मेरा आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। मैं आ गया हूं दोस्तों अपनी शॉप पे, और अपनी दूसरी वाली शॉप पे तो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, भीड़ हो रही है। दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है। अभी शॉप पे तो कस्टमर्स ज़्यादा है, इसलिए मैं ये नेक्स्ट वाली शॉप पे इंतज़ार कर रहा हूँ मनोज भाई का। आप मोबाइल लेकर के आएगा तब हम देखेगा, चेक करेगा तब बताएगा ना आपको। आप मोबाइल लेकर के आइए। हाय, बढ़िया है। इतना सारा कस्टमर लेके आएगा। मेहमान दिए एक तरफ से, त्रिपुरा का मेहमान। अच्छा अच्छा, भैया इसको अगरबत्ती जला के खुला दे। दोस्तों आ चुका है मनोज भाई अपने फ्रेंड्स लोग को लेकर के, त्रिपुरा के फ्रेंड है सारे। यहाँ दूर से लेने आए, देखो ये मोबाइल लेने के लिए आए हैं। ये ले रहे हैं वन प्लस नॉर्ड C3 लाइट, और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगरबत्ती वगैरह मंगाया करोगे? अगरबत्ती तो उस दिन मनोज भाई, रूपम भाई का भी नहीं जलाया था ना। हैप्पी बर्थडे। वन प्लस मस्त है, कलर मस्त है। ये देखो दोस्तों कलर भी मस्त है, लेडीज पसंद आया आपको ही चाहिए ना। ये देखो पसंद आया बोलते हैं इसको। आज तो इसी फोन से फोटो खींचेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। वाह वाह, कितना खुश हो रहा है। सुंदर है दोस्तों। कलर भी ये देखिए पेस्टल लाइम कलर है, पीछे डुअल कैमरा है, ये फ्लैश लाइट है। हेलो, मेरा भी एक छोटा सा चैनल है, ज़्यादा नहीं, 6000 पहले जो था वो डिलीट। सेटअप हो चुका है दोस्तों और मैडम लोगों को पसंद भी आ गया, कलर काफ़ी अच्छा है, लाइम पेस्टल लाइम कलर है। और बिल बना देते हैं। पसंद आया ना आप लोगों को? फाइनली कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ले लिया, दे दिया हूँ मनोज भाई को। मैडम भी खुश हो चुकी है। खुश है ना आप? कलर मस्त मिला है। हाँ। ये लीजिए, प्राइस भी एकदम जेन्यून प्राइस में दिया हूँ इनको। त्रिपुरा से डिस्काउंट मिला है ना? मिला है कि नहीं? हो गया इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं। खुश हो गया दोस्तों लेकर के। ठीक है मनोज भाई, ठीक है भाई। मोबाइल दे दिया मनोज दोस्त को और मनोज दोस्त चला गया, उसके त्रिपुरा के फ्रेंड आए हुए थे और वन प्लस का मोबाइल लेकर के गए हैं। और अब मार्केट बंद हो चुका है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जेपी नड्डा स्टेट से आए हुए हैं यहाँ नामसाई में और इसलिए भी सारा मार्केट बंद हो चुका है और बारिश भी ज़ोरदार हो रही है। मैं तो गया नहीं दोस्तों क्योंकि बारिश ज़ोरदार हो रही है, स्कूटी लेकर के जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, इसलिए अपनी शॉप तो बंद हो चुकी है, मार्केट पूरा बंद हो चुका है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे। और मैं यहाँ अपनी शॉप के सामने ही खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अगर कोई फ्रेंड आएगा तो उसके साथ जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, बारिश हो रही है ज़ोरदार और मार्केट पूरा बंद हो चुका है। देखिए मार्केट पूरा बंद हो चुका है और गांव के लोग भी आए हुए हैं। और दोस्तों गांव से भी लोग आए हुए हैं, उन्हें भी कल इनवाइट किया गया था, अनाउंसमेंट हुआ था कल। गांव के लोगों के लिए गाड़ी भेजा गया है, लेकिन इतनी बारिश में शायद बहुत कम लोग ही आए होंगे। ये है मार्केट का अभी का नज़ारा, देखिए। सुबह से बारिश हो रही है कंटिन्यू, वैसे तो 2-3 दिन हो गए दोस्तों कंटिन्यू बारिश ही हो रही है हमारे यहाँ अरुणाचल नामसाई में। ये देखिए बस आई हुई है बहुत सारी, ये सारे बस्ती के लोग आए हुए हैं गांव से। ये देखिए और भी आ रही है पीछे गाड़ियाँ, देखिए विंगर आ रही है। देखिए और भी गाड़ी आ रही है पीछे पीछे, सबके अंदर गांव के लोग भरे हुए हैं पूरे। क्या दुकान बंद कर दिया, जाना नहीं है क्या? जाएगा नहीं है, ग्राउंड में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्या? जेपी नड्डा आया हुआ है यहाँ स्टेडियम रोड में है, मालिक चला गया। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ शॉप के सामने टहलते टहलते कि जाऊँ कि नहीं, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, और जाने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अपने को जा कर के लेक्चर सुनना है। वेट करता हूँ कोई फ्रेंड अगर मिलेगा तो जाऊँगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊँगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश में जाऊँगा तो भीग जाऊँगा दोस्तों। एक मिल गया दोस्तों पार्टनर स्कूटी लेकर के, भाई साहब के साथ जाएंगे बैठ कर के। चलिए धीरे धीरे चलना गुरुजी। बारिश ज़ोरदार हो रही है दोस्तों, और मैं निकल चुका हूँ देखने के लिए जेपी नड्डा जी को। यहीं से दिखाई दे रहा है दोस्तों आगे बहुत ही ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नामसाई पावर हाउस के सामने, और ये है अपना डीसी ऑफिस नामसाई का। और यहाँ एक ट्रैफिक पॉइंट भी बना दिया गया है डीसी ऑफिस के सामने। ये देखिए दोस्तों कितनी बसें आई हुई हैं, ये सब गांव के लोगों को लेकर के आए थे। ये देखिए बसों की लाइन लगी हुई है इधर। ये है नामसाई हाई सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है, अंदर तो शायद स्कूटी जाने नहीं देगा कि हाँ। यह है दोस्तों नामसाई का स्टेडियम रोड, और इसी ग्राउंड में आए हुए हैं जेपी नड्डा साहब। ये देखिए गांव के लोग कितने जा रहे हैं, अभी इतनी बारिश में भी इतने लोग आए हुए हैं। मैं अच्छी तरह तो दिखा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक हाथ से मैं अम्ब्रेला पकड़ रखा हूँ। इधर बैनर लगाया हुआ है, होर्डिंग सभी एमएलएस की। ये देखिए ये एमपी तापिर गांव साहब, ये आलो लिवांग जी, दोनों साइड होर्डिंग लगी हुई है। बारिश इतनी हो रही है लेकिन लोग बहुत आए हुए हैं, क्योंकि सबके लिए बस फ्री कर दिए थे गांव के लोगों के लिए गाड़ियां, इसलिए सब फ्री में आ गए। इधर हम लोग पार्किंग लगा देते हैं अपनी स्कूटी को और फिर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बनाया है पैंडल बहुत बड़ा, माइक वगैरह लगाए हैं अभी हम लोग अंदर जाएंगे दोस्तों, स्कूटी पार्किंग करने के लिए आए हैं। पीछे से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इधर गाड़ियाँ पार्किंग लगी हुई है। इनको पूछता है कहाँ पार्किंग लगा थे सर स्कूटी को भी। लोग काफ़ी पीछे आ गए दोस्तों इधर पार्किंग लगाने के लिए। सब गांव से आए हुए हैं दोस्तों। रुक 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 नाते चलते हैं। स्कूटी पार्किंग लगा दी है दोस्तों, अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। और पीछे देखिए कितने लोग आ रहे हैं। और आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों। आगे कितने लोग जा रहे हैं। चेकिंग हो रही है। हम लोगों ने भी चेक करवा लिया है दोस्तों, अब एंट्री हो चुकी है हमारी अंदर। अब आगे का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये है दोस्तों ग्राउंड का अंदर का नज़ारा। यहाँ चेयर की गाड़ियाँ लगी हुई है। बहुत ही कीचड़ हो रही है दोस्तों यहाँ, ये देखिए बारिश से पूरी कीचड़ हो रही है। नाश्ता दे रहे हैं सभी को, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नाश्ते के अंदर में क्या दे रहे हैं। इसमें क्या है खोल तो है। हम लोग अंदर आ चुके हैं दोस्तों और यहाँ आप लोगों को रोटी दिया गया है। ये देखिए ये रोटी है, साथ में पानी की बोतल ले रहे हैं हम लोग बैठ करके मेजर सारे चौकी पर है हम लोग यहाँ पे। और ये देखिए मेरा का आनंद ले रहे हैं। अभी नड्डा साहब नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को झलक। दोस्तों बहुत देर हो गया इंतजार करते करते, चड्डा साहब नड्डा साहब नहीं पहुँचे अभी तक, दूर हो गए हम लोग बैठे बैठे। 15-20 तो फ्रूटी पी लिए हम लोग यहाँ बैठे बैठे, अब थक चुके हैं, अब जाएंगे सोच रहे हैं। जाएंगे ना मेजर? थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, अगर पहुँचेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब और इंतज़ार नहीं होगा हमसे। दोस्तों बहुत देर हो गया हम लोग को इंतज़ार करते करते, 2 घंटा से बैठे हुए हम लोग, अभी तक नहीं आए हैं नड्डा जी। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। और यहाँ देखिए कितनी भीड़ हो चुकी है अभी पब्लिक की। दोस्तों मैं इसको बोला कि बहुत देर हो गया इंतज़ार करते करते, अब चलते हैं। तो ये बोला कि डिनर करके जाएंगे। भैया डिनर थोड़ी होता है, अभी तो लंच होगा अगर होगा। तो बोला डिनर करके जाएंगे, ये भी रहेगा रात को, ये भी रहेगा। अभी तक नड्डा साहब नहीं पहुंचे हैं दोस्तों, बैठे बैठे बोर हो गया, मैं तो निकल करके आ गया। 12:30 बजे आया था मैं यहाँ पे और अभी 3 बज गए हैं, अभी तक नहीं पहुंचे हैं और मैं निकल गया। मैं आ गया दोस्तों मार्केट में अपनी शॉप के पास। जेपी नड्डा जी तो अभी तक नहीं आए हैं, पब्लिक बैठे बैठे इंतज़ार कर रही थी, सभी को मिठाई खिला रहे थे और जूस वगैरह पिला रहे थे, लेकिन बैठे बैठे बोर हो गए, सब लोग उठ उठ करके जाने लग गए और मैं भी आ गया। बहुत सारी पब्लिक चली गई इंतज़ार करते करते। 4 बज चुके हैं अब और मैं सोचा कि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। देखिए लोग वापस जा रहे हैं, नड्डा जी तो पहुँचे नहीं हैं। तो सारी बसें वापस आ गई हैं, नड्डा जी नहीं पहुँचे अभी तक, सब रिटर्न आ गई गाड़ियाँ।